हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रग्यूस पैंटर्स और बर्नो के बीच में खेले जाने वाले आज के ECS चेकिया T10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों चेकिया T10 का मैच नंबर 22वां खेला जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। बात करेंगे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में रखना है, और बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जिसे हमें अपनी टीम में करके चलना है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो सारी चीज़ें समझोगे। और अभी तक ना मेरे टेलीग्राम पर आप लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल किस चीज़ का इंतजार है भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ पर आप लोग को मैं रेगुलर अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। मेरी फाइनल टीम भी एक आ जाती है जिसमें थोड़ा बहुत एडिट करके आप खुद की टीम बना सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सीधा मैच के बारे में। तो दोस्तों, मैच नंबर 22वां जो है इस चेकिया T10 का PRS और BRN के बीच में खेला जाएगा। 2:45 मैच स्टार्ट होगा। वेदर की बात करें तो रेन के चांस नहीं है। वेन्यू रहेगा चेक रिपब्लिक का, और पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस आपको देखने को मिलेगा। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, टोटल 20 मैच इस वेन्यू पर खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 9 मैच, बैटिंग सेकेंड ने 11 मैच विन किया है। एवरेज स्कोर आपको 70 से 110 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टीम PRS के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इनकी टीम से आशुतोष आर्या और पार्थ भालोदिया ये मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करने चाहिए, ठीक है। पार्थ भालोदिया एक ठीक ठाक प्लेयर है, लेकिन आशुतोष आर्या दोस्तों मैं ड्रॉप करने का सोच रहा हूँ, इसको मैं ड्रॉप करके चलूँगा। और पार्थ भालोदिया क्या है कि 1 से 2 ओवर की बॉलिंग भी करा लेता है, साथ ही थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेता है, तो इसको लेना पड़ेगा। तो पार्थ भालोदिया तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद सागर माधी रेड्डी हैं, इनका भी परफॉर्मेंस अभी दोस्तों काफ़ी इंक्रीज हुआ है, इसको देख सकते हो आप लोग। और ये भी दोस्तों 1 से 2 ओवर की बॉलिंग भी कर रहा है, और स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में फ्लॉप हुआ था, लेकिन अभी कंटिन्यू जो अच्छा परफॉर्मेंस आया है उसके वजह से सागर माधी रेड्डी भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा। उसके बाद आएंगे दोस्तों काशी बालकृष्णन, ये भी एक ठीक ठाक प्लेयर है, अच्छा खासा इनिंग खेल सकता है। अभी तक 25, 19 और 74, ये 2-3 इनिंग जो है वो ठीक ठाक सी इनिंग रही है। तो काशी बालकृष्णन को भी लेना चाहो तो बिल्कुल ट्राई करके चल सकते हो। जिन्नू पानीलट हैं, इनका 2 इनिंग अच्छा लगा मुझे, 18 और 30 वाला, बाकी इनिंग में फ्लॉप रहा है। और लेना चाहो तो लेकर के चल भी सकते हो, ड्रॉप करना चाहो तो इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, 50-50 चांसेस रहेगा लेने का। और उसके बाद आएंगे क्रांति वेंकट स्वामी, ये अच्छा प्लेयर है और अच्छा परफॉर्मेंस ये करके दे सकता है आपके लिए, तो बिल्कुल इनको टीम के लिए टीम में लेकर के चलेंगे। उसके बाद आएंगे सोहेब वानी, ये 1 से 2 ओवर की बॉलिंग आपको करता हुआ दिखेगा, विकेट अच्छा खासा मिल भी जाता है इसको, लेकिन हर मैच में विकेट नहीं लेता है। यहाँ पे 1 विकेट लिया, यहाँ पे 2 विकेट लिया, यहाँ पे भी 1 विकेट, लेकिन 2 मैचेस में ये फ्लॉप भी रहा है, तो देख लीजिएगा, इसको लेना रहेगा तो बिल्कुल ले करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएंगे नीरज त्यागी, ये भी आपके लिए 2 ओवर की बॉलिंग कर रहा है, इनके टीम का मेन बॉलर बोलता हूँ मैं इनको, क्योंकि ये 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता है। यहाँ पे 2 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट, तो ठीक ठाक विकेट भी मिल जा रहा है, तो ले करके चलेंगे नीरज त्यागी। आदित्य रायपरवलू एक अच्छा बॉलर है, राइट आर्म फास्ट करता है, T10 के 9 मैच में 5 विकेट इसके नाम है, और कंटिन्यू दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो विकेट इसको मिला है, तो लेकर के चलेंगे, 2 ओवर की बॉलिंग भी करेगा। विघ्नेश कुमार को मैं ड्रॉप करके चल सकता हूँ, बाकी ये बॉलर भी अच्छा है, T10 के 10 मैच में 10 विकेट इसके नाम है, और इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये भी। वरुण सक्सेना है, 1 से 2 ओवर की बॉलिंग इसको भी टीम हर मैच में दे रहा है, फर्स्ट मैच में 2 विकेट था, और लास्ट मैच में इसका जो है कल वाला उसमें दोस्तों 1 विकेट इसके नाम रहा है, बाकी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसका भी नहीं है, आप 50-50 चांस करके ले सकते हो इसको भी। अभी के लिए मेरी टीम में इनकी टीम से रहेंगे, देखो पार्थ भालोदिया को लूँगा, सागर माधी रेड्डी, काशी बालकृष्णन को लूँगा, और यहाँ से देखो मैं लूँगा जिन्नू पानीलट या फिर क्रांति वेंकट स्वामी, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा। सोहेब वानी एक अच्छे रहेंगे तो इनको मैं ले सकता हूँ, नीरज त्यागी को, और नीचे से दोस्तों आदित्य राय पर उल्लू या फिर वरुण सक्सेना, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को मैं लेकर के चलूँगा बिल्कुल। बाकी इनके बेंच के प्लेयर में से देख लो, यहाँ से कोई भी खेलेगा ना तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे सानमुगम रवि हैं जो कि अच्छे प्लेयर हैं, खेलेंगे तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। मेसिट ओजडाक हैं, अभी तक खेले नहीं है एक मैच, बाकी खेलेंगे तो इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी के लिए स्टार्टिंग के ओवर की देखें इनके टीम से, तो स्टार्टिंग के ओवर में नीरज त्यागी हैं, आदित्य राय परोलू हैं, डेथ ओवर्स में सागर माधी रेड्डी हैं, नीरज त्यागी हैं, बॉलिंग करते दिखेंगे। आगे बात करते हैं टीम BRN के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो टीम BRN की तरफ से ओपन करेंगे सयान खान,
लेकिन ये ओपन नहीं करता, ठीक है, ये ओपन नहीं करता, लास्ट मैच में ओपन किया था इसलिए मैंने इसको ओपनिंग पे लिखा है। उनके साथ वरुण मेहता भी आए थे, ये दोनों ही ओपन नहीं करते हैं। कभी कभी टीम का एक्सपेरिमेंट चलता है तो ओपन हो जाता है, ठीक है, किसी भी प्लेयर को भेज देते हैं लोग। बाकी शायान खान उतना इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं है, लेकिन बॉलिंग करा लेता है ना तो उस समय दोस्तों इसको विकेट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ग्रैंड लीग में बिल्कुल इसको लेकर के चलना, स्मॉल लीग में ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। वरुण मेहता विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर कोई अच्छा पिक ना रहे तो इसको लेकर के चलना, वरना इसको ड्रॉप कर देना। सत्यजीत सेन गुप्ता है, प्लेयर अच्छा है, 1 से 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता है, साथ ही बैटिंग में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकता है, तो सत्यजीत सेन गुप्ता को लेकर के चलना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आएंगे राहत अली, जो कि 1 से 2 ओवर की बॉलिंग ये भी कर रहा है, इसकी बैटिंग सबसे शानदार है। यहाँ पे 16 नॉट आउट, यहाँ पे 36 नॉट आउट, यहाँ पे 44 नॉट आउट, तो नॉट आउट इनिंग बहुत खेला है अभी तक। बॉलिंग से उतना विकेट नहीं मिला है इसको, देख सकते हो, वहाँ जी विकेट लेस, यहाँ विकेट लेस, यहाँ विकेट लेस, लेकिन बैटिंग इसकी थोड़ी सी ठीक ठाक है, तो इसके वजह से इसको मैं प्रिफर कर रहा हूँ। रियाज आफरीदी हैं, 2 ओवर की बॉलिंग करने वाला प्लेयर, बेहतरीन ऑल राउंडर इनकी टीम का, इसकी बॉलिंग ठीक ठाक लगती है मुझे, बिल्कुल इसको लेकर के चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। बैटिंग से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे करके जाता है। आशीष मट्टा है प्लेयर, ये भी अच्छा है दोस्तों, 23 का एवरेज है T10 के अंदर, 19 रन यहाँ, 11 नॉट आउट यहाँ, 13 रन यहाँ, बाकी एक एवरेज इनिंग आपके लिए खेल करके देगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अली काशिप को ड्रॉप करके चलूंगा मैं। उसके बाद नीचे से जयपाल राठौर हैं, इनका एवरेज है 12 का T10 के अंदर, और एक मैच जिसमें इनको बैटिंग मिला था उसमें 12 रन इन्होंने किया था, तो GL में लेना चाहो तो लेकर के चलना, स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चलना। नावीद अहमद हैं, और इनको भी विकेट थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन T10 के 40 मैच में 25 विकेट इसके नाम है, यहाँ पे एक विकेट, यहाँ एक विकेट, यहाँ एक विकेट, मतलब 5 मैच खेल के इसके नाम 3 विकेट रहा है, बाकी लेना चाहो तो आपकी मर्जी रहेगी। उसके बाद आएंगे संदीप तिवारी, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करता है, विकेट लेस मैक्सिमम टाइम ये भी रहता है, तो मैं इसको सजेस्ट अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग लेना चाहो तो बिल्कुल लेकर के चल सकते हो। नीरज मिश्रा एक अच्छा बॉलर लगा मुझे, स्टार्टिंग के 3 मैच में इसको विकेट नहीं मिला था, लेकिन लास्ट के 2 मैचेस में विकेट इसको मिला है, तो लेकर के जाना चाहो तो बिल्कुल इसको भी लेकर के चल सकते हो। बाकी अभी के लिए इनकी टीम से मैं पिक करने वाला हूँ, देखो सत्यजीत सेन गुप्ता, राहत अली को लेकर के जाऊँगा, रियाज आफरीदी को लेकर के जाऊँगा, आशीष मट्टा, फिर अली काशिफ में से किसी एक प्लेयर को लूँगा, और नीचे से अपनी टीम में मैं ले करके चलूँगा संदीप तिवारी या फिर नीरज मिश्रा, इन दोनों में से एक ही प्लेयर लूँगा मैं, दोनों प्लेयर को तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा। बाकी इनके बेंच के प्लेयर में से देख लो, यहाँ से कोई भी खेलेगा ना तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड मिल जाएंगे आपको, देख लीजिए। यहाँ पे स्टार्टिंग के ओवर की बात करूँ तो रियाज आफरीदी हैं, राहत अली हैं, डेथ के ओवर्स में सत्यजीत सेन गुप्ता हैं, और नीरज मिश्रा आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते दिखेंगे। तो ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करते हैं डेमो टीम की। तो दोस्तों इस मैच की जो मेरी डेमो टीम रहेगी वो इस प्रकार से है, जिसमें मैं वी मेहता को अपने विकेट कीपिंग सेक्शन से लिया हूँ, पी भालूदया को बैटिंग सेक्शन से, और वेंकट स्वामी को बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से, नीरज त्यागी हैं, एन अहमद हैं, आर अली हैं, राय परोलू हैं, और रियाज आफरीदी हैं, तो इनको मैं ऑलराउंडर सेक्शन से लिया हूँ। और यहाँ पे बात करूँ मैं बॉलिंग सेक्शन से तो सेन गुप्ता, एस वानी और एस तिवारी इनको लिया हूँ दोस्तों। अब मेरी कैप्टन वाइस कैप्टनसी के चॉइस तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे। बाकी मेरी जो फाइनल टीम रहेगी ना वो आपको टेलीग्राम पे आफ्टर टॉस मिलेगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।